अबू आझमींच्या वक्तव्याचा काँग्रेस आणि सपाकडून तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात आलाय. आझमींसारख्या एका राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यानं कोणतंही वक्तव्य करताना भान ठेवून करायला हवं आणि राजकीय प्रतिमा जपायला हवी अशी समजही देण्यात आली आहे. तसंच एनसीबीच्या नवाब मलिकांनाही अबू आझमी यांनी सुनावलंय. नए मुफ्ती बने होंगे लेकिन इस तरीके के बयान से देश की जनता के बीच आवाम के बीच नेताओं की इज्जत खराब होती है, उनकी गरिमा कम होती है इस तरीके के बेमानी बयान देने से. लेकिन मुझे डर लगता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के उन मजलूमों का डीएनए कराना चाहती हो, जो लोग मारे गए उनके खानदानों का, जो लोग कैंपों में रहे 50,000 लोग, वो उन्होंने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट दिया है, उनका डीएनए कराने की अगर कोई प्लानिंग है तो मैं कह नहीं सकता, शायद इसीलिए ये बयान दिया. हमें लगता है कि सर्टिफिकेट देने का अधिकार समाजवादी पार्टी को नहीं, या मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी कोई खलीफा या खिलाफत उनके पास नहीं, या कोई वो पीर और मुर्शिद नहीं कि उनसे मुरीद लोग हो जाएं. इस तरह से बातें करना गलत है. इस मुल्क में किसी भी मजहब के मानने वालों को आजादी हो, अपनी मर्जी से वोट दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, लेकिन उन्हें वोट ना दे तो वो मुसलमान नहीं. इस तरह की बात करना अहमक होने से ज्यादा कुछ नहीं. पहले तो ये तय करना चाहिए कि मुसलमान कलमा पढ़ने से होता है या मुलायम को वोट देने से होता है. अगर वो ये मुसलमान की डेफिनेशन दे रहे हैं तो फिर तो वो तो कादियानियों से भी बदतर हो गए, क्योंकि इस्लाम में मुसलमान होने के लिए कोई और शर्त नहीं है. किसी तरह की रेस, किसी तरह का शक्ल, किसी तरह का रंग, किसी तरह की तहजीब, किसी तरह का वोट, किसी तरह का चुनाव, किसी तरह की पार्टी नहीं. सिर्फ आप जो है एक अल्लाह और उसके आखिरी रसूल में आपका यकीन होना चाहिए, यानी कलमा गो हो आप तो आप मुसलमान हैं. तो ये इस तरह के इस्लाम को बीच में ले आना चुनाव के और मुसलमान को ले आना, इससे ही पता लगता है कि अबू आजम आसमी को ना इस्लाम का पता है और ना साइंस का पता है, क्योंकि डीएनए से ये तो पता लगता है, लग सकता है कि आदमी हिंदुस्तानी है कि नहीं, लेकिन ये नहीं पता लग सकता कि वो मुसलमान है कि नहीं.